الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदाए परवरदिगार हजरत अहमद नबी दोस्त दारे चार यार ताबौला दे अली मजहब हनफी अदार मिल्लत हजरत खलील मौसे आजम जेर साया हरवली मौजूद सामीर मोहतरम स्टेज पर जलवागर गैरत व हमीयत का निशान उम्मत मुस्लिमा के लिए नायब अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी और तहरीक लबैक या रसूलल्लाह के डिविजनल जिली पीपी यूसी जिम्मेदारान वार्ड जिम्मेदारान सब मेरे सर का ताज उलमा मुशायर और मुतला साफी जितने भी अहबाब जिस सबका फिक्र से नशी फरमा है सब मेरे सर का ताज है। वक्त के दामन में नहायत किल्लत है और हम यहाँ पे राना साहब की वालदा मरहूमा के मिसाल सवाब के लिए यहाँ जमा हुए हैं तो हम इस बात का हल करने के लिए जमा हुए हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, ना एक लम्हा पहले है ना एक लम्हा बाद में है। फिर हम किसी बात से भी नहीं डरते कि हम हुजूर की नामूस और खत्म नबूवत पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज कोई सौदागरी करें। हमारा हर लम्हा हुजूर के लिए है, ये नहीं कि औखा वेड़े बड़े तो नेड़े हो जाइए तो सौखे वेड़े परा परा फिरते रहिए। साडा हर बेड़ा हुजूर वेले हुजूर वास्ते साडा हर लम्हा हुजूर की नामूस वास्ते खत्म नबूवत वास्ते। और मैं सुन रहा सा राती भी दोस्तों ने क्लिप भेजा कि उन्होंने कहा जी कोई दरमियानी राह कटांगे दरमियानी राह वाली गल आती सी साडे कायद शेर पढ़ते होंगे सन फरमाते सन मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। बस इतनी साड़ी गल है जदो हुजूर दी नामूस और खत्म नबूवत का मसला बढ़े तो फिर उस कुए यार सीधा फैजाबाद जाना उमरा करन नहीं नस जाते। हाँ जदो इस्लाम नु लौड़ पै जाए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम उन्होंने जंगे यरमूक के बड़ी सख्त जंग हो गई मुसलमाना दी रूमिया दे नाल ते उन्होंने कहा कि रूमिया दी 11 सफां ते मुसलमाना दी 3 सफां ते आप नाबीना सन। आपने फरमाया यार मैनू भी नाल ले चलो। उन्होंने कहा बाबा जी ते जंग लड़ा नहीं कि तुहानू संभालांगे। आपने फरमाया यार तुसी जंग लड़ना जे कोई मुश्किल वक्त पड़ गया तो तुसी अगे पीछे हो जाओगे। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नु झंडा पकड़ा देना मेरी अखा कोई नहीं मैं तो नसण जोगा भी कोई नहीं मैं झंडा लैके तुहाडा उत्ते मैदान विच खड़ा रहांगा। असीं उहनां दे वारिस आ हाँ असीं उहनां दे वारिस आ जिन्हां दी अखा ना भी होवन ओह हुज़ूर दी नामूस वास्ते इस्लाम वास्ते जंगे यरमूक विच पहुंच जांदे ने। ते फिर आसमान ने वह मंजर देखा कि मुसलमानों नूं फतह हुई और जब हजरत उम्मे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम की लाश देखी गई ते आप दे सीने नाल आपका झंडा सी और आप शहीद हो चुके सन। ते सानू मरने वेले भी वो सबक दे गए कि जे दुनिया तो जाना भी है तो हजूर दी नामूस के मसले नाल सीने नाल ला के जाना। ये नहीं आखना कि मैं लिख के दे देना थाने च साडा कोई ताल्लुक नहीं आके आखा कोई नहीं है सीने नाल झंडा ला के जा रहे हैं दुनिया तो। इस वास्ते साडे कायद ने कहा कि मकाम पैज़ राह में कोई जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले
तो सूए धाग चले, बस मदीना पाक तो निकल गई जरमूक चले गए। हाँ तो तो इस्लाम रोड पर तो भाज के उधर नहीं जाएगा, बल्कि जिते करबला लगी हो जाएगा, फिर बहादुर नाल लेके जाएगा। असी उन्होंने मनने वाले हैं जड़े घर नहीं रखते सैयद, जड़े साढ़े ना सैयद हैं घर नहीं रखते, बल्कि अकबर ओसर नाल लेके टुटे, निका नहीं हो चो बड़ा नहीं हो लेके करबला चाह दे, तो फिर सारा कुछ गवा के कह देंगे मौला तू राजी दस राजी। मतलब मर्जी शोभा है, फिकर तो हो वकील हो डॉक्टर हो साफी हो सियासतदान हो, तुहाड़ा काम है हुजूर दी नामूस दे उते गल करना, ये सिर्फ साडा काम नहीं, असीं तुहानूं सबक दसी जा रहे हैं, तुसीं करो ना करो असीं करांगे। हुजूर वास्ते तेरे दुश्मना नाल दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। अलामा साहब तलवार लेके खड़े सन, तलवार लेके खड़े सन, ते तकलीफ हो जानी उत्ते कि जनाब वो स्टेज ते तलवार आई सी। मैं तुहानू एक गल सुना जावां, देखो कुफर यूरोप की हिफाजत के वास्ते दोस्ता कमर तेरा में डूब गया। हाँ एक कुफर ने की कीता, मैं पढ़ रहा सन के जड़ा एटम बम वाला बसाना वो इक्तदार दे मुंतकिल होने सदर तो अगले सदर में मुंतकिल हो जाता, और हर बंदे को ओ, एक खास सिपाही है अमरीकी सदर दे नाल जड़ा वो एटम बम वाला बक्सा लैके फिरता नाल 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 नाल। ए उन्हें एटम बम का बक्सा कादे आस्ते रखा जी, रियासत मदीना की हिफाजत आस्ते, ओ रियासत अमरीका की हिफाजत आस्ते, कि अमरीका के खिलाफ अगर कोई जंग करेगा तो सदर एटम बम का बक्सा नाल लैके हर मीटिंग जो इकतदार उनके को आ जाता वो बंदा तो बक्सा उनके कोल रहा। तो यार असी हजूर की नामूस वास्ते एक तलवार बुलंद करके कह दी मन सबा नबी जन पक्तुल हो तो साढ़े अपने अंदर शुरू हो जाए। सोचने वाली गल है क्यों एटम बम लेके नाल करता के खबरदार कोई अमरीका गल करे कोई अमरीका ना लड़ाई का सोचे, एटम बम का डब्बा मेरे कोल है मैं बटन दबा देंगा। तो वो भी याद रखे कि तेरे को एटम बम बन तो साढ़े को भी खास इल्मुद्दीन है जनाब इन्होंने की करना इन्होंने की करना, और कम अज कम लैंड तो ना बदलो, अपनी तरतीब का सिद्धि रखो, थोड़े वे कौन किस वास्ते, कौम थोड़ी हिफाजत कर दी, कौम तुहानू नजराने दें दी, कौम थोड़े हाथ चूम दी, कौम थोड़े पैर चूम दी, कौम थोड़े दरबार आबाद कर दी, वो हुजूर दी निस्बत है, ये हुजूर दी इज्जत और नामूस का मसला विचों कढ दिओ, तुसी कौन हो साडे वड्डे कौन हैं। अलामा खादिम हुसैन रिज़वी नूं असीं इस वजह तों मन्निया कि वड्डे अलामा साहब सन,
नहीं ना मनिया वो बड़े आपेसन बड़े कारीसन वो सारी मकाम अपनी जगह लेकिन एक हजूर दी नामूस का सच्चा वफादार सी साडी नस्बत यही है मैं कि हजरत अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जड़ा हजूर का सच्चा वफादार है सी उसके गुलाम है दरमियानी राह कोई नहीं और रस्मन नहीं साढ़े कायद कहने सन जिन्होंने हजूर को रस्मन मनिया और डेढ़ बीस तो वापस आ गए जिन्हें क्या दिल नाल मनिया ईमान नाल मनिया जान तो वध के मनिया उन्होंने क्या हजूर हुक्म दियो सिल है बाल अमन शेता वक्ता है बाल अमन शेता साल अमन शेता आदे मन शेता उसमें नंबाल ना माशेता वादे ना माशेता यार रसूल हुक्म दियो बदर तय खड़ा घोड़े समुद्र च पा देंगे असी क्या सरो किस ना जंग छेड़ के रख देंगे हजूर की मोहब्बत के जड़ा अगे बात के गल करे रब नु यही अदावा पसंद हैं ते फिर जदों जड़े अज कहने ना इन्हां नु किचो इक्तदार लभना कोई सोच सकदा सी कि ओ अठ तलवारां दो घोड़े वो लैके एक ऐसा किस तरह जित सकते कोई सोच सकता सी कि आज बिलाल नु काबे में लिटाया जा रहा काले काबे की छत पे चढ़ जाएगा ये रब मालिक है कि नब्बे काले नु लाएगा ओ बेड़ा ओ आसमानदा इतनी छेती नहीं देना ओ आसमानदा के पक्के भी होए के नहीं और कभी आसमान वास्ते बदर लै जाता कभी ओहद लै जाता कभी खंदक लै जाता कभी तबूक लै जाता कभी मुरासी लै जाता कभी मुस्तलिफ लै जाता कभी यरमूक लै जाता कभी फिर कादसिया लै जाता फिर कुफर की तोड़ के कमर लिया के पैर ताज रख देता ये इस्लाम की शान है लेकिन वह आसमानदा चंगे खड़का के बंदे लैंदा और देखे ना भांडे साढ़े जड़े मिट्टी के भांडे होंगे फिर असं शाह साहब ने फरमाया असं मिट्टी के बने हैं इस्लाम भी सानू खड़का रहा भी ये तगड़े के नहीं अज तो नहीं जाएंगे एक किधर थोड़ी जी आग लगे तो पाड़ तो नहीं जाएंगे विच जड़ा विच साढ़े भांडे चो ईमान है किधर ईमान लोड़ तो नहीं दे देंगे कोई जरक सेक लगे तो इस्लाम खड़का के बंदे लैंदा और उन्होंने खड़काया इस्लाम ने जिन्हों के दिलों रब ने अजर में देखा उन्होंने तो पाकीज़ा दिल कोई नहीं सर तुम तो मैं कौन साढ़े तो इस्लाम ने ध्यान लेने औखा वेला आ जाए नसी का नहीं खड़ो चाहिदा और असी नसन वाले जो है भी नहीं नसन वाली जो इन्होंने तारीख है वो पढ़ लैन अपनी किताबें लिखे और सूरज भी गरूब होने के करीब है और जुल्म का सूरज भी गरीब गरूब होने के बिल्कुल करीब है और सुबह इंशाल्लाह जरूर आएगी जड़ी इस्लाम की सुबह होगी क्योंकि साढ़ा कलंदर लाहौरी दस के गया सानू के निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को लड़ दिया था सुना है कुत्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा वो शेर बेदार भी हो चुके हैं और होशियार भी हो चुके हैं छोटा छोटा बच्चा नहीं आ चुके कहता लब्बैक जो कुछ भी करना पाया गदारी नहीं कर सकते।